हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि DRDO में जो फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर की जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड की गई है उसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने में जो है कुछ ऐसा पेज जो है DRDO का जो है वो ओपन हो जाएगा। तो आप जो है यहाँ पर जो है ये एडवर्टाइजमेंट जो है यहाँ पर देख सकते हो। तो सिंपली जो है जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने में जो है ये एडवर्टाइजमेंट जो है ये ओपन हो जाती है। ओपन हो जाने के बाद आप जो है यहाँ पर देख सकते हो कि इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है जो 7 नवंबर 2022 से है। लेकिन अभी भी जो है इसकी लास्ट डेट जो है 7 दिसंबर 2022 है। अभी भी जो है आपके पास 2 दिन है, 2 दिन में जो है आप इसके लिए जो है आवेदन कर सकते हो। तो इसको जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि पोस्ट कोड है, यहाँ पर पोस्ट का नाम हो गया, इसेंशियल उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, अदर क्वालिफिकेशन, अदर रिक्वायरमेंट क्या है, एज की लिमिट क्या है, क्लासिफिकेशंस क्या है, किसमें क्लासिफाई होता है। तो जैसे ही हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर पोस्ट कोड जो है वो दिया गया है 1001 का, जो है फायर इंजन ड्राइवर के लिए। 1101 जो है वो फायरमैन के लिए है। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो फायर इंजन ड्राइवर के लिए जो है आपके पास 10वीं होना चाहिए। साथ ही साथ अदर क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो आपके पास जो है वैलिड जो है ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए वो 2 या फिर 3 व्हीलर्स का। साथ ही साथ जो है लाइट एंड हैवी व्हीकल्स का जो है ड्राइविंग लाइसेंस जो है आपके पास वैलिड होना चाहिए। इसके साथ साथ जो है आपको ट्रैफिक रेगुलेशंस के बारे में भी अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए और फिजिकल फिटनेस जो है वो भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए जो है एज क्राइटेरिया दिया गया है 18 साल से लेकर 27 साल और ये ग्रुप सी में आता है। दूसरी जो वैकेंसी है वो है फायरमैन की। तो यहाँ पर जो है मिनिमम जो है आपके पास 12th होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर जो है आपका फिजिकल फिटनेस जो है वो अच्छा होना चाहिए। एज क्राइटेरिया की अगर बात करें तो 18 साल से लेकर 27 साल जो है यहाँ पर दिया गया है और ये भी जो है ये ग्रुप सी में आता है। अब जैसे ही आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इसका जो है पोस्ट कोड क्या है, 1001 और 1101। अब यहाँ पर हम जैसे ही स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये हमारा पोस्ट कोड हो गया 1001। तो इसकी जो है यहाँ पर फायर इंजन ड्राइवर की जो है टोटल यहाँ पर वैकेंसी निकली है 18 और फायरमैन की जो है यहाँ पर वैकेंसी निकली है 86। और यहाँ पर जो है ये A3, B1, B2, C1, तो ये जो है ये आपका यहाँ पर पोस्टिंग कोड जो है वो रहने वाला है। अब इसका A3, B1, B2 का मीनिंग क्या है तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कोड ऑफ पोस्टिंग स्टेशन है। जैसे कि A1 का मतलब यहाँ पर है आगरा। अब यहाँ पर फायरमैन का अगर कोई अगर A2 के लिए अगर जा रहा है तो A2 का मतलब यहाँ पर है अहमदनगर। यानी कि आप जो है वहाँ पर ये जो पोस्टिंग स्टेशन है, ये जो कोड है वो आप जब भी एप्लीकेशन करोगे तो उसमें जो है ये कोड आपको डालना होगा। यानी कि उस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए जो है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। फिर उसके बाद जो है कि आप नीचे में स्क्रॉल डाउन करते हो तो आप जो है कई सारी इन्फॉर्मेशन जो है आप यहाँ पर रीड कर सकते हो। अब हम बात करते हैं मेन इसकी कि एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर क्या होने वाली है। अब एप्लीकेशन फ़ी आप यहाँ पर देख सकते हो कि 100 रुपीज़ जो है वो आपको यहाँ पर पे करना होगा। मोड ऑफ पेमेंट जो है वो आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग या फिर UPI के थ्रू भी जो है आप कर सकते हो। अब इसके लिए जो है आप कैसे आवेदन कर सकते हो ये मैं आगे में आपको बताने वाला हूँ। अब इस एग्जाम के लिए जो है सेंटर आपका क्या रहने वाला है तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कई सारे जो है यहाँ पर सेंटर्स है, जैसे कि आगरा हो गया, अहमदाबाद हो गया, औरंगाबाद हो गया, मुंबई हो गया, नागपुर हो गया। तो कई सारे जो है यहाँ पर 41 जो है टोटल यहाँ पर जो है सेंटर जो है वो दिए गए हैं। अब यहाँ पर जो है आप कैसे अप्लाई कर सकते हो तो ये मैं आपको आगे मैं बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर जो है फिजिकल क्राइटेरिया भी जो है आपको यहाँ पर देखना है। तो फिजिकल मेजरमेंट जो है आप यहाँ पर देख सकते हो कि हाइट जो है विदाउट शूट जो है वो 165 सेंटीमीटर जो है कम से कम होनी चाहिए मेल के लिए। फीमेल के लिए जो है 157 सेंटीमीटर जो है कम से कम होनी चाहिए। चेस्ट का भी आप यहाँ पर देख सकते हो। फिर उसके बाद है कि यहाँ पर चेस्ट एक्सपांशन, वेट जो है वो कितना होना चाहिए, मेडिकल स्टैंडर्ड जो है, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट वगैरह हो गया, वो आप जो है फिजिकल क्राइटेरिया आप यहाँ पर रीड कर सकते हो। इसके लिए जो है आप यहाँ पर जो है ये डाउनलोड का यहाँ पर लिंक दिया गया है, इसको आप डाउनलोड करके इसको टोटली जो है आप यहाँ पर इस एडवर्टाइजमेंट को जो है रीड कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो कैसे होने वाली है, तो जैसे कि यहाँ पर एक CBT टेस्ट होने वाली है। CBT टेस्ट और प्लस आपका जो फिजिकल फिटनेस है ये दोनों के ऊपर जो है आपका जो है यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो रहने वाला है। और जैसे कि आप यहाँ पर CBT टेस्ट देख सकते हो कि जैसे कि मैंने आपको कोड बताया है 1001 और 1101 जो है फायर इंजन ड्राइवर का और फायरमैन का। तो यहाँ पर जो है आपका जब CBT टेस्ट होने वाला है तो वहाँ पर टोटल 75 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है वो रहने वाला है, रीजनिंग की एबिलिटी आपकी टेस्ट की जाएगी, जनरल अवेयरनेस के उसके भी क्वेश्चंस रहने वाले हैं और जनरल इंग्लिश के भी क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो ऐसे टोटल यहाँ पर 75 क्वेश्चन जो है वो रहने वाले हैं। यहाँ पर जो है मैक्स
मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 75 रहेंगे और इसके लिए जो है आपको 60 मिनट जो है वो दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे ही आपने CBTB अगर टेस्ट पास कर लिया, फिर भी जो है आपका फिजिकल फिटनेस जो है वो यहाँ पर चेक किया जाएगा और फिर ये दोनों के बेसिस के ऊपर ही जो है आपका वहाँ पर सिलेक्शन हो पाएगा। तो ये जो है ये दोनों यहाँ पर मेन क्राइटेरिया है। फिर उसके बाद है कि जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स रहेंगे तो उनके लिए जो है यहाँ पर उनको जो है जो भी टेस्ट है यहाँ पर CBT की उनको पास करना काफ़ी ज़रूरी है। साथ ही साथ जो है उनको फिजिकल जो फिटनेस उनका जो राउंड रहेगा वो भी क्लियर करना जो है वो काफ़ी यहाँ पर ज़रूरी है। फिर उसके बाद जो है फाइनल सिलेक्शन जो है यहाँ पर मेरिट के बेसिस के ऊपर जो है वो होने वाला है। मतलब यहाँ पर आपका फिजिकल फिटनेस का क्राइटेरिया और आपका जो CBT टेस्ट जो आप पास करेंगे तो उन दोनों के बेसिस के ऊपर जो है यहाँ पर आपका जो है सिलेक्शन जो है वो होने वाला है। फिर उसके बाद जब नीचे में आप स्क्रॉल डाउन करते हो तो और भी जो है कई सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर जो है इनके साथ अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है तो ये जो है ये यहाँ पर एड्रेस जो है दिल्ली का यहाँ पर दिया गया है। हेल्पलाइन नंबर भी जो है यहाँ पर दिया गया है। कोई भी अगर क्यूरी है तो यहाँ पर जो है मेल आईडी भी जो है वो प्रोवाइड की गई है, जो है helpdesk@septemtain.com। तो इसके ऊपर भी अगर कोई अगर क्यूरी है आपको तो जो है आप जानकारी ले सकते हो। अब बात करते हैं कि इस पोस्ट को जो है आपको कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में। तो जैसे ही आप बैक आ जाते हो, जैसे कि मैंने आपको ये पेज बताया था, तो आप यहां पर देख सकते हो क्लिक हियर टू व्यू डाउनलोड हाउ टू अप्लाई। इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हो तो आपके सामने में जो है कुछ ऐसा पेज जो है वो ओपन हो जाता है, यानी कि आप जो है इसके लिए कैसे आवेदन कर सकते हो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आवेदन करने से पहले जो है आपके पास फोटोग्राफ होनी चाहिए, आपके हस्ताक्षर जो है उसको जो है आपको JPEG या फिर JPEG फाइल में जो है आपको उसको कन्वर्ट करना है। 10वीं या फिर मैट्रिक के जो है आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी तैयार रखने हैं, जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपको तैयार रखने हैं। तो यहाँ पर जो है स्टेप बाय स्टेप जो है सारी प्रोसेस जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आप ये वाला पेज यहाँ पर देख सकते हो। ये पेज यहाँ पर कैसे आया, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने में जो है ये पेज ओपन हो जाता है। ये पेज ओपन हो जाने के बाद जो है आप यहाँ पर न्यू यूजर हो, तो आपको जो है सबसे पहले क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको जो है यहाँ पर आपकी जो पूरी जानकारी है, आपका फुल नेम वगैरह हो गया, आपको जो है पूरा जो नाम है आपको कन्फर्म करना है, मोबाइल नंबर, मेल आईडी ठीक है कंफर्म करना है, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर और आपका जो है यहाँ पर ये कोड डालना होगा और फिर बाद में यहाँ पर रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद जो है आपको फिर सेकंड स्टेप जो है थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन जो है ये स्टेप देखने को मिलती है। लेकिन जब आपको जो है यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड जब मिल जाता है तो आपको जो है यहाँ पर डालकर जो है इसको सबमिट करना है। जब आप सबमिट करते हो तो ये जो है ये प्रोसेस जो है आप कंप्लीट करने के बाद ही जो है आप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेमेंट जो है यहाँ पर आपको जो है 100 रुपीज़ पे करने होंगे और जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया, जैसे कि आपका जो है यहाँ पर फोटोग्राफ हो गया वो आपको साथ में रखना है, JPG फाइल में सिग्नेचर हो गया, आपके 10वीं की 12वीं की जो मार्कशीट है वो भी आपको तैयार रखनी है, क्योंकि वो जो सारे डॉक्यूमेंट्स है वो जो है आपको यहाँ पर फाइल नंबर पर जब आप आओगे तो यहाँ पर जो है सारा अटैच करना होगा। फिर उसके बाद जो है आप उसको प्रीव्यू कर सकते हो। इसमें है 7 नंबर यहाँ पर कि यहाँ पर जो है आपका जो 100 रुपीज़ जो है आपको यहाँ पर फी पे करनी होगी और लास्ट में जो है टोटल जानकारी जो आपने लिखी है वो आपको चेक करके जो है फिर लास्ट में जो है सबमिट करना होगा। तो इस तरीके से जो है आप इसके लिए जो है आवेदन कर सकते हो। तो इसका जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है, आप जाकर जो है ये सारा जो है चीज़ जो है वो देख सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।